गोल्डन वीजा किसी भी कंट्री का परमानेंट रेजिडेंसी, लॉन्ग टर्म वीजा या फिर सिटीजनशिप अगर पैसे देके खरीदा जा रहा है तो उसको गोल्डन वीजा कंसिडर करते हैं। कई कंट्रीज ये ऑफर करते हैं, कुछ लोग गोल्डन वीजा टैग यूज करते हैं, कुछ लोग उसको इंसल्ट के जैसा कंसिडर करते हैं और अपने अपने हिसाब से नाम दिए हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कौन से कंट्रीज है जो गोल्डन वीजा ऑफर करते हैं, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका कॉस्ट क्या है एवरेज और उसका प्रोसेसिंग टाइम। हेलो एवरीवन, मैं वहलान एंड आई मेक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड व्लॉग्स। डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल वहलान एंड डू सब्सक्राइब टू इट। गोल्डन वीजास या इन्वेस्टर वीजास, हर कंट्री अपने अपने हिसाब से ये वीजास को नाम दी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे दो चीज़ होते। इन्वेस्टर अपने पैसे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी या परमानेंट रेजिडेंसी लेते, या फिर जो ओवर द टाइम सिटीजनशिप में कन्वर्ट हो जाते। कई कंट्रीज़ है जो ये वीज़ा ऑफर करते, इंक्लूडिंग US, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। 2015 के सर्वे के हिसाब से वर्ल्ड वाइड 25% से ज़्यादा कंट्रीज़ गोल्डन वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम किसी ना किसी तरीके का ऑफर करते। अब इसका कॉस्ट क्या था, हर कंट्री का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऑन एवरेज अगर ओवरऑल कंसिडर करें तो $1 लाख से लेके $20 मिलियन तक इसका कॉस्ट है। हर कंट्री अपना अपना रिक्वायरमेंट सेट करती, अपना अपना रूल्स है, अपने अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के नेम्स है। कंट्रीज जैसे कि US, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, यहाँ पे कॉस्ट इसका स्टार्ट होता $1 मिलियन से, $1 मिलियन से। इसका इन्वेस्टमेंट मिनिमम क्राइटेरिया है, इसके अलावा भी और रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, लेकिन मिनिमम आप $1 मिलियन से इन्वेस्ट करना रहता। ऑस्ट्रेलिया में कन्वर्ट करें तो $1.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होते हैं। पोर्चुगल में फॉर एग्जाम्पल 5 लाख यूरो से इन्वेस्ट करना है। 2016 में 2,788 वीज़ाज इशू हुए थे सिर्फ पोर्चुगल में, जो लोग ये इन्वेस्ट करके आए थे पोर्चुगल में, और जिसमें से इंटरेस्टिंगली 80% चाइनीज नेशनल्स थे। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करेंगे तो हर कंट्री का अपना अपना प्रोसेसिंग टाइम है। सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद जब लॉन्च करने से 2 दिन से लेके कुछ महीनों तक इसका प्रोसेसिंग टाइम हो सकता। कुछ कंट्रीज 3 दिन के अंदर भी आपको इन्वेस्टर वीज़ा दे सकते हैं। जब आपका वीज़ा आता उसके बाद सिटीजनशिप के लिए काफ़ी टाइम लगता, सिटीजनशिप लेने के लिए रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट रहता। कई कंट्रीज़ में 5 साल का, 4 साल का रिक्वायरमेंट है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में 4 साल का रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट है। लेकिन कंट्रीज़ सिप्रस के जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे इन्वेस्टर वीज़ा है, वहाँ पे सिर्फ 90 डेज का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आप 90 डे रेसिडेंसी शो करके सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हर कंट्री का अपना अपना सिटीजनशिप या रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट है। कुछ कंट्रीज़ पहले टेम्प्ररी इन्वेस्टर वीज़ा देते, फिर बाद में उसको परमानेंट रेसिडेंसी में कन्वर्ट करते। US में ग्रीन कार्ड की वेटिंग 5 ईयर्स है इन्वेस्टर वीज़ा के थ्रू। सेम ऑस्ट्रेलिया में 2 साल के बाद आपको परमानेंट होता है इन्वेस्टर वीज़ा। तो हर एक कंट्री में 3 लेवल रहते, एक टेम्प्ररी वीज़ा का लेवल रहता, उसके बाद परमानेंट रेसिडेंसी करते हैं उसको, उसके बाद सिटीजनशिप के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। तो सबसे ईजी है सिप्रस, वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट है सिप्रस का सिटीजनशिप, जो 90 डेज वहाँ पर स्टे करने के बाद आपको सीधा सीधा सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर ले सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करे उतना रेसिडेंसी वगैरह का रिक्वायरमेंट कम हो सकता। फॉर एग्जांपल किसी के पास 1 मिलियन अगर इन्वेस्ट करे तो अलग रिक्वायरमेंट है, 5 मिलियन इन्वेस्ट करे तो अलग रिक्वायरमेंट है। तो कई कंट्रीज़ एक ऑफर देते कि फास्ट अगर होने का है रूट तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते जाना। कि अक्सर लोग इन्वेस्ट प्रॉपर्टीज़ में या रियल एस्टेट में करते हैं, या इसके अलावा रिक्वायरमेंट रहता है कि स्टॉक मार्केट में कोई लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करना। कुछ कंट्रीज़ इन्वेस्टमेंट के अलावा चाहे तो आप कुछ कंट्रीज़ में गवर्नमेंट को डोनेट भी कर सकते पैसे। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है कि जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अप्लाई होता है इसमें, जैसा कि एज हो गई 18+ रहना, मेडिकल चेकअप होना, मेडिकली आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहना, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहना। इसके अलावा आपको प्रूफ बताना पड़ता कि आपके पास फंड्स है जो आप इन्वेस्ट कर सकते वो कंट्री में, ये फाइलिंग के स्टेज पे रहता। उसके बाद आपको आपकी बिजनेस हिस्ट्री भी बताना पड़ता कि आपके पास पैसे कैसा आए, या आपकी जो भी है बैकग्राउंड हिस्ट्री, बिजनेस बैकग्राउंड, यूजुअली 2 से 4 साल का पिछले बिजनेस बैकग्राउंड बताना पड़ता आपको। फंड्स कहाँ से जनरेट हो रहे, आपके एसेट्स वगैरह। इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कई कंट्रीज़
इंग्लिश टेस्ट का भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता। कई कंट्रीज़ में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी नहीं है। कुछ कंट्रीज़ में लैंग्वेज आना ज़रूरी है, एटलीस्ट बेसिक मिनिमम लेवल, या उनका अपना अपना सेट रिक्वायरमेंट है। लेकिन कई कंट्रीज़ लैंग्वेज भी नहीं पूछते। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टर वीज़ा के लिए आपको इंग्लिश आने की ज़रूरत भी नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, क्योंकि एक आम स्टूडेंट 7 या 8 बैंड ला के कई साल मेहनत करने के बाद भी परमानेंट रेसिडेंसी के लिए स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जो जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों के लिए ये हर हर वो चीज़ वेव्ड ऑफ है। सिर्फ पैसे शो करना है और प्रूफ करना है, वही एजुकेशनल रिक्वायरमेंट भी नहीं है उसमें। प्रूफ करना है, पैसे बताना है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना है और सीधा परमानेंट रेसिडेंसी लेना है। यानी कि जिन लोगों के पास पैसे हैं, उन लोग को बिना ज़्यादा मेहनत करे बैकडोर एंट्री मिल सकती है ये कंट्रीज़ के परमानेंट रेसिडेंसी या सिटीजनशिप के लिए। जो कंट्रीज़ ये वीज़ा प्रोग्राम्स ऑफर करती, कई बार उसको डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म सहना पड़ता, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि कंट्री की सिटीजनशिप के लिए प्राइस टैग होना जरूर अच्छी चीज़ नहीं है, और ये सिटीजनशिप के क्राइटेरिया के खिलाफ जा रहा, या सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जा रहा कि पैसों से सिटीजनशिप खरीदना काफ़ी गलत चीज़ है। तो इवन यूरोपियन पार्लियामेंट में इसके खिलाफ कुछ बिल पास हुआ था 2014 में कि इसके ऊपर प्राइस टैग नहीं लगाना और गोल्डन वीज़ा अबॉलिश करना बल्कि। लेकिन ये आज भी कई कंट्रीज़ ये वीज़ा प्रोग्राम्स ऑफर करती। 2015 के सर्वे के हिसाब से ज़्यादातर लोग जो गोल्डन वीज़ा से बेनिफिट उठाए अप टू 2015, वो लोग थे चाइनीज़। चाइनीज़ सबसे ज़्यादा गोल्डन वीज़ा रिसीव करे वर्ल्ड वाइड हर कंट्री से। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपका क्या ख्याल है गोल्डन वीज़ास के रिलेटेड। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल वहलान को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।